नमस्कार दोस्तों, ध्यान मार्ग में एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग कुशल पूर्वक होंगे। तो दोस्तों, आज बात करते हैं दिसंबर 2020 में आने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में, क्योंकि समय रहते अगर आपको एक ही वीडियो में पता चल जाए कि पूरे महीने में कौन सी तिथि पे कौन सा पर्व या त्यौहार आ रहा है, तो आपको भी सुविधा होगी। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे प्रथम व्रत से, जो कि 7 दिसंबर को है, काल भैरव जयंती। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव अष्टमी के रूप में मनाई जाएगी। बहुत सारे लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। दोस्तों, काल भैरव बीमारी, भय, संकट और दुख को हरने वाले स्वामी माने जाते हैं। इनकी पूजा से हर तरह की मानसिक और शारीरिक परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। उसके बाद 11 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और पुराणों के अनुसार भी इसी व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, 12 दिसंबर को कृष्ण प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए रखा जाता है। यह व्रत प्रति माह में 2 बार कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन ही रखा जाता है। कहा जाता है इस व्रत को रखने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। वैसे भी उनका नाम भोले भंडारी है। बहुत आसानी से प्रसन्न होने वाले देव महादेव कहे जाते हैं। इसी तरह से 13 दिसंबर को मासिक शिवरात्रि है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। ये दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत भी रखा जाता है। दोस्तों, 14 दिसंबर को मार्गशीर्ष अमावस्या है। धार्मिक दृष्टिकोण से अगर बात करें तो यह तिथि बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तिथि को अघन और पितृ अमावस्या भी है। इसीलिए इस दिन पितरों को याद किया जाता है और उनकी मुक्ति के लिए पिंडदान भी किया जाता है। दोस्तों, एक और खास बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो ये है कि इसी दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। सूर्य ग्रहण को लेके एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगी, आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, 15 दिसंबर मंगलवार के दिन धनु राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे और इस राशि में ये 14 जनवरी 2021 तक स्थित रहेंगे। सूर्य के गोचर को संक्रांति कहा जाता है। जिस राशि में ये प्रवेश करते हैं उसी राशि के नाम पर संक्रांति पड़ती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत 25 दिसंबर को रखा जाएगा। मोक्षदा एकादशी का तात्पर्य है मोह का नाश करने वाली, इसीलिए इसे मोक्षदा एकादशी कहा गया है। दोस्तों, द्वापर युग में इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया था, इसीलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाएगी, तो याद रखिएगा। दोस्तों, वर्ष 2020 का अहम त्यौहार 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में क्रिसमस डे के नाम पे मनाया जाएगा। ये ईसाई धर्म का प्रमुख त्यौहार है। यह पर्व ईसा मसीह के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस के मौके पर सेंटा क्लॉज लोगों को उपहार बांटते हैं, जिससे बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो ये धर्म की बंदिश में नहीं है ये त्यौहार, सभी धर्म के लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। दोस्तों, तो इसी के साथ दोस्तों वर्ष 2020 के अंतिम पर्व के बारे में बात कर लेते हैं, जो है मार्गशीर्ष पूर्णिमा। दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा 30 दिसंबर बुधवार के दिन पड़ रही है। इस दिन स्नान, दान और तप का विशेष महत्व बताया गया है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन हरिद्वार, मथुरा, प्रयागराज और बनारस इत्यादि जगहों पर श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान और तप इत्यादि करते हैं और अपने कर्मों से, कर्म बंधनों से मुक्ति प्राप्ति हेतु कामना करते हैं। हालांकि वर्ष 2020 व्यापक महामारी के कारण बहुत अच्छा नहीं बताया गया है या नहीं रहा बहुत सारे लोगों के लिए, परंतु फिर भी आप इस बात को सोच के खुश हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं कि ये समय भी निकल गया। और इसी के साथ 31 दिसंबर को आप खुशियां मनाएं, नए वर्ष के आगमन की तैयारियां करें, इस उम्मीद के साथ कि वैक्सीन आ जाएगी, सब लोगों तक पहुंच जाएगी, फिर से लोग खुशहाल होंगे और हम लोग भी फ्री होकर के घूम सकेंगे, फिर सकेंगे, खा सकेंगे, अपनों से मिल पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आज बस इतना ही। राधे राधे।